नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर यह बड़ा फैसला। पंजाब जेल में सजा काट रहा मुख्तार अंसारी अब यूपी की जेल में शिफ्ट होगा। अंसारी को दो हफ्ते में पंजाब से वापस यूपी भेजने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। आपको बता दूं कि यूपी की कई अदालतों में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और लगातार यूपी सरकार कोशिश कर रही है पिछले कई महीनों से कि मुख्तार अंसारी को जल्द से जल्द यूपी की जेल में शिफ्ट किया जाए, लेकिन तमाम रोड़े अटके और पंजाब सरकार वापस नहीं भेजने की तैयारी में थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दे दिया है कि दो हफ्ते के अंदर पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल में शिफ्ट कराए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। कई आरोपों में घिरे हुए हैं मुख्तार अंसारी और लगातार कई मामले मुख्तार अंसारी पर दर्ज हैं। तो यूपी की सरकार को कहें तो ये बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है, क्योंकि मुख्तार अंसारी को लाने की कोशिश लगातार यूपी सरकार कर रही थी और अब यूपी सरकार को जीत हासिल की है। जनवरी 2019 में पंजाब के मोहाली में मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। होमलैंड ग्रुप के सीओ ने जबरन वसूली का केस दर्ज कराया था। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। ये पूरा मामला किस तरह से है लगातार हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा पंजाब पुलिस प्रोडक्शन वारंट के साथ भी मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद से पंजाब की रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी बंद है। तो तब से लेकर अब तक मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में बंद है, लेकिन अब दो हफ्ते के भीतर भीतर यूपी जेल में मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया जाएगा। तो यूपी सरकार की ये बहुत बड़ी जीत है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।